नमस्कार दोस्तों, आप सबको मम तसिया के चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं जा रही हूँ आज सब्जी बनाने, इसके करेले। नमस्कार दोस्तों, आप सबको ममता सिया चैनल में स्वागत है। दोस्तों देखो पैसे दिखा रहे मुझे दोस्तों, ये मेरे पहले वाले चैनल के पैसे, यूट्यूब से पेमेंट आई है मेरी, कितनी है अभी बताता हूँ। दोस्तों मैं चल जा रही हूँ सब्जी बनाने और ये आके इनको पेमेंट मिली है भाई, तो आप दिखा रहे हैं। मुझे तो अभी कुछ भी नहीं मिला क्योंकि मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ, बने रहना। दोस्तों देखो मैं मेहंदी लगाई, अच्छी लगी है बताना कमेंट कर। कोई बात नहीं, मैं चली सब्जी बनाने। किस चीज़ की बनाऊँ? हमारे पास दूध रखा था तो दूध मैंने फाड़ा था, अरे पनीर बनाने के लिए। तो ये देखो धूप बहुत तेज है, ये पनीर इतनी निकली, हम दो जन के लिए बहुत है। देखो ना यहाँ देखो, क्योंकि खाना बनाने जा रही हूँ तो आज मैं सोची कि एक रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ, क्योंकि वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आज टाइम है, क्योंकि हमारा कमरा जब लगता है सूप शनिवार संडे 3 दिन लगता है, उसके बाद तो हमें टाइम नहीं मिलता। आज मुझे टाइम मिला तो हम बनाने जा रहे हैं सब्जी, क्योंकि दूध लाए थे हमने, दूध फाड़ा था, उसके पनीर की सब्जी बनाऊंगी, आप सबको दिखाती हूँ। दोस्तों एक चीज़ देखो, मैंने मेहंदी लगा रखी हूँ, देखो ना बताना अच्छी है, क्योंकि मेरा दिल किया तो मैंने लगा लिया, क्योंकि सावन में भी नहीं लगाए क्योंकि कुछ परेशानियाँ थी तब, इसीलिए हम लगाए नहीं। और बताना कमेंट करके अच्छी लगेगी नहीं, मैं ही लगाई थी और किसी ने नहीं लगाया, मैं अपने आप ही लगाई, ना किसी देखा किसी चीज़ में, ऐसे ही लगाई। तो हम चल रहे हैं बनाने। दोस्तों ये देखो ये पनीर है, और क्योंकि हम दो ही जन तो हैं, दो जन के लिए बहुत है, इतनी इतना हम खाएंगे, शाम लंच में भी खाएंगे और रात को भी हो जाएगी। और ये देखो मैंने प्याज इसको हल्का सा ब्राउन कर लिया, ये देखो कैमरा खुलता है तो दिखाना प्यार आ जाते हैं, वैसे प्यार नहीं करते, करते हैं दोस्तों बहुत कम करते हैं, क्योंकि बिजी रहते हैं ना, क्योंकि काम के आगे फुर्सत नहीं मिलती। और ये देखो मैंने दो टमाटर भूज लिया था, क्योंकि एक तो मैंने छील लिया और दूसरा हमने आपको दिखाने के लिए, मैं क्या आप बोलोगे कि दिखाई नहीं, इसीलिए मैंने ये अभी छीला नहीं, इसको छीलूँगी तब सारा मिक्सी में पीसूँगी, क्योंकि दोस्तों हमारे पास मिक्सी तो वो वाली है नहीं, और साग घोटने वाली में पीसूँगी। तब तक आप बने रहना, देखती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ सब्जी। इसको मैंने पहले से धुल के रखा था, धुल के रखा फिर भूंज दिया इसको गैस पे, मैंने वो किया भूंजा, क्या कहते हैं हमारे इधर तो भूंजने कहते हैं दोस्तों, आपके उधर क्या कहते हैं बताना, क्योंकि कोई चीज़ उबालो तो फिर उसका होता है कि उबाला है मैंने, और हमारे इधर तो ऐसे भूनने के लिए ही बोलते हैं। हाँ जी, ओ क्या देखो ये मैं कद्दूकस कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास मिक्सी नहीं है, सिमरन के पापा भी कोई काम कर रहे हैं पीछे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे पता भी नहीं, और सिमरन की भी शक्ल दिख गई। क्योंकि जिसके पास मिक्सी है आप मिक्सी से कर सकते हैं, हमारे पास मिक्सी है नहीं दोस्तों, फिर हमें यही सिखा। दोस्तों वो टमाटर मैंने कद्दूकस कर दिया, और इस सिमरन के पापा को देर हो रही, कह रहे मेरे बाल में मेहंदी लगा दो, तो मैं मेहंदी लगा के फिर बनाती हूँ सब्जी। ये देखो बाल पके है ना, इसीलिए लगा रही हूँ मेहंदी में। ये देखो 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 कैसे लगे पके, पूरे पके हुए बाल। दोस्तों क्या करें, पके बाल को छुपाना भी पड़ता है, इसीलिए मैं मेहंदी लगाना शुरू कर दी। इसीलिए मेरे पापा को देखो कैसे कैसे बाल पके पूरे, क्या करूँ, जवान दिखना है तो करना ही पड़ेगा ना। मेरा पति मेरा देवता है। तू क्या है, लक्ष्मी? लक्ष्मी मैं नहीं हूँ, वो तो मेरी छोटी बहू है।
देखो ब्राउन हो गया, हल्का हल्का ब्राउन, इसको ना पीसेंगे, पीस के तब आप देखा बिखर ना जाए। हाँ जी ये देखो दोस्तों, मैंने इतना बारीक पीसा इसको, क्योंकि हमारे पास मिक्सी तो है नहीं, तो ये ना साग घोटने वाली मशीन है, मिक्सी है ये भी, इसीलिए मैं इसी से पीस ली। दोस्तों ये देखो मैंने दूसरी कढ़ाई इस पर चढ़ा दी, क्योंकि उसमें अंदर मैंने पीस रखा है, तब ये दूसरी में चढ़ा दिया मैंने इसको। अब मैं सब्जी बनाऊँ दोस्तों, मेरा तेल गरम, क्योंकि सिमरन का पापा ना सरसों का तेल में थोड़ा भी वो ना निकले ना दवा जैसे निकल रहे इसमें भाप, तो फिर वो खाते नहीं है, उनको सरसों के स्मेल मारती है। तेल गरम हो गया, ये मैं डाल रही हूँ जीरा, देखो जीरा भी लाल हो गया, और ये जो मसाला मैंने बनाई थी ये लाल हो रहा है दोस्तों, इसको मैंने 5 मिनट जैसे 2 मिनट 3 मिनट जितना जितना जिसको लाल करना हो उसी हिसाब से अपना करें, क्योंकि मुझे थोड़ा ब्राउन ही चाहिए, 5 मिनट सब जो लग ही जाता है इसको पकाने। ये देखो मेरा मसाला लाल हो गया, तेल भी छोड़ दिया, क्योंकि तेल जब तक छोड़े ना जब तक पता नहीं लगता कि मसाला पका ही नहीं, क्योंकि साइड साइड आप देखो दोस्तों तेल छोड़ दिया हुआ। फिर उसके बाद मैं ना इसमें टमाटर ऐड करूँगी, क्योंकि ये मैं कद्दूकस करके रखी हूँ। क्योंकि हमारे पास दोस्तों सिमरन है ना, सिमरन की वजह से मैं ज़्यादा वो कर नहीं पाती, क्योंकि मेरे को पीछे पकड़ रखी है। अब इसको भी थोड़ी देर पकने दूँगी, इसमें भी मिलना चाहिए, ज़रूरी है सब चीज़ मिलना। ये देखो हमारे मसाले, अब मसाले मैं तो यही ऐड करूँगी दोस्तों, हमारे पास सिमरन के लिए खाने के लिए भी बनाना पड़ता है, क्योंकि हम ज़्यादा तीखा नहीं बना सकते इसी करके, क्योंकि ये है हल्दी, अपने हिसाब से डालना है। ये मैंने हल्की सी देगी मिर्च डाल दी, और ये लाल मिर्च, और ये धनिया पाउडर, क्योंकि अपना घर का मसाला होता है, इसीलिए हम दोस्तों हम ज़्यादा तीखा मसाला नहीं खाते, क्योंकि जो क्या कहते हैं बोलते हैं नहीं कि खूब चटपटा सा, चटपटा सा हम नहीं खाते। थोड़ा सा पानी डालूंगी, मसाला जल जाता है। ये भी पक मसाला मेरा पक गया, और मैं ये थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ले रखी हूँ, क्योंकि मुझे ना कस्तूरी मेथी से का महक बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आजकल तो धनिया है नहीं, इसीलिए हम ये, और अपने स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए जितना आपको खाना है। थोड़ी देर और पकाएंगे तो देखो मसाला मेरा पक गया, लग रहा ना लाल सा, महक भी अच्छी आ रही है।
दोस्तों हमारे बर्तन पे मत जाना, क्योंकि हमारा ना यहाँ का है नहीं बर्तन, क्योंकि हमारे घर का तो है नहीं, क्योंकि हम यहाँ पहली बार रहे हैं, तो जो पहले रहता था वो उसका बर्तन है। और नहीं, ये तो मेरी दीदी का कढ़ाई है, और जो वो टंगे हुए देखो सारे काले काले पड़े हुए हैं, इसको मैंने इतना छुड़ाया तब थोड़ा बहुत छूटा, क्योंकि अब धीरे धीरे ही छूटेगा दोस्त। ये मेरी दीदी की कढ़ाई है, क्योंकि वो यहीं पास में रहती है ना, तो उनकी कढ़ाई है, क्योंकि छोटी कढ़ाई रहती थी, जब कोई मेरे रिश्तेदार आ जाते थे तो फिर बर्तन बड़ा नहीं था तो हमें दिक्कत होती थी। तो उन्होंने बोला मेरे पास एक कढ़ाई है ले जाओ, तो हम उन्हीं से ले आए थे। वाओ मेरी मेहंदी कितनी अच्छी लग रही है ना, ये देखो, कोई नहीं बताया, मैं अपने आप ही लगाई थी, मेरा दिल किया। मेरा मसाला पक गया तो अपने हिसाब से जितना हो दाना आपको चाहिए पानी उतना ऐड करो, ग्रेवी आपको कितनी चाहिए। क्योंकि 10-15 मिनट दोस्तों इसको पकने देती हूँ। ये दोस्तों देखो ढक दिया है, इसको पक रहा, और मैं चलती हूँ देखती हूँ हमारी सिमरन क्या कर रही है। वो देखो कैसे पढ़ाई कर रही है लेटे लेटे। दोस्तों पंखा चल रहा, पंखे की आवाज़ शोर आती है थोड़ा, ये भी चिक्का मार पक गया, और मैं इसको खोलने जा रही देखती हूँ कैसे बनाता। ये देखो आपको जैसी तरी चाहिए, क्योंकि हमको तो थोड़ी तरी रहती तभी ठीक रहता। और ये देखो फिर इसमें हम ऐड करेंगे पनीर। ये देखो मेरे दोस्तों सब्जी बन गई। पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलते हैं दोस्तों, मेरी सब्जी बनके तैयार होगी, क्योंकि अब मैंने आपको रेसिपी इसकी शेयर कर दी और मैंने बना ली, और अब मैं जा रही हूँ, सब्जी बन गई, अब सिमरन के पापा आएंगे तब फिर हम आटा गूंदा मेरा ये रखा हुआ, क्योंकि हम फिर रोटी बना लेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद खाएंगे। आप भी आ जाना। बाय दोस्तों। दोस्तों पसंद आए वीडियो को तो लाइक करना, सब्सक्राइब।